अरविंद केजरीवाल सदैव झूठ बोलने का काम करते हैं। नासा का लाइव डाटा है 25 और 26 अक्टूबर का। आज वही डाटा नासा ने किया है, इस पर उनकी चुप्पी खामोशी संदेह पैदा करती है। पंजाब सरकार फेल है और अरविंद केजरीवाल का चेहरा पब्लिक के सामने उजागर हो गया। अरविंद केजरीवाल सदैव झूठ बोलने का काम करते हैं। नासा का लाइव डाटा है 25 और 26 अक्टूबर का, जिसमें स्पष्ट रूप से कहां कहां पंजाब में आग लगी है, पराली जलाई जा रही है और कहां कहां हरियाणा में जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे घटनाओं में बढ़ोतरी की है, हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसमें कमी लाई है। कल तक अरविंद केजरीवाल विदेशी मैगजीन का और विदेशी एजेंसियों का उल्लेख करते थे, आज वही डाटा नासा ने किया है, इस पर उनकी चुप्पी खामोशी संदेह पैदा करती है। जब वहाँ कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार थी, बार बार नासा के उसका वो जिक्र करते थे और कहते थे दिल्ली में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, हरियाणा में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, आज उनकी चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ काला है। एक उन्होंने आरोप ये लगाया कि भारतीय एजेंसियाँ उसको पोल्यूशन का डाटा नहीं दे रही है। आज उनको भारतीय एजेंसियों के पोल्यूशन के डाटा की कब से जरूरत पड़ गई? इससे पहले तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे, देखिए कि नासा की वेबसाइट क्या कह रही है या विदेशी मैगजीन भी देखो हमारी तारीफ कर रही है। आज उनको देश प्रेम कब से उमड़ पड़ा? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के मामले में अपने दोहरे मापदंड पर फंस गए हैं। पंजाब में बुरी तरह पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है पंजाब के द्वारा। हरियाणा की खट्टर सरकार की नीयत साफ है, किसानों को नुकसान होने नहीं देंगे, उनकी पराली को हम खरीदते हैं और उसको आगे चाहे इंडियन ऑयल के माध्यम से या किसी भी रूप में उसका उपयोग करते हैं और किसानों को उसके वजह में पैसा देते हैं। पंजाब सरकार फेल है और अरविंद केजरीवाल का चेहरा पब्लिक के सामने उजागर हो गया कि वो केवल दोहरे मापदंड उड़ाते हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं होती वहाँ ये आरोप लगाते हैं, जब सरकार आ जाती है उस पर ये खामोश रह जाते हैं।